की जय। सॉरी माता की जय। सॉरी माता की जय। आलोर के मंदिर में ऐसा मान्यता है कि साल में एक बार यहाँ पर खाने से खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होता है, ऐसा करके माना जाता है। तो इस साल 2024 में माता लिंगेश्वरी का मंदिर कब खुलने वाला है, इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या सच में यहाँ पर खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होता है, इस भी हम इस वीडियो में पूरा देखने के लिए मिलेगा। और काफी लोग दूर दूर से लोग आते हैं, तो उन लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भाई 2024 में कब खुलेगा लिंगेश्वरी का मंदिर, ऐसा करके। इधर से लो, इधर 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 दो इसका। अच्छा यार, जगह बनाओ भैया। हम लोग धमदा से शुरू बार आए हैं, पहली बार है। कहाँ से पता चला? कोई भैया बताया है। कहाँ से दीदी? कहाँ से? बालोर। पहली बार आए हो? हाँ, फर्स्ट बार। तो आप लोगों को कैसे पता चला था यहाँ पे ऐसा है करके? मतलब एक दूसरे के जरिए से ही पता चला था। एक्चुअली पूरा पता नहीं था यहाँ के बारे में, एक दूसरे के बारे में ही पता चला। यूट्यूब है ये सब। तो कितना टाइम आप लोग आए थे? हम लोग कल, मतलब कल 8 बजे के आए। और दर्शन हो गया? 8 बजे का आए हो, तो लाइन में कितना टाइम से लगे थे? बहुत टाइम। जब से आए हैं तब से लाइन पे ही लगे हैं हम लोग। और हम लोग भान प्रतापपुर से, हम लोगों को 4 साल हो गया है। 4 साल आ रहे हो? इसी लोग के जरिए से हम लोग को पता चला। तो मन्नत पूरा हुआ? हाँ, मेरा मन्नत पूरा हो गया। ये दोनों बाबू यही का है। ये दोनों बाबू यही के हैं? हाँ, यही का है। चलो, दोनों ऐसे दिख रहे हैं। हाय कर दो बाबू। हाय कर दो बेटा। चलो बढ़िया है। तो यहाँ के बारे में जो बताते हैं वो सही होता है ना? हाँ, सही होता है। आप लोग को पूरा विश्वास हो गया? मेरा पूरा विश्वास है, तभी तो मैं आई हूँ। मैं देखो भाई, मेरा विश्वास दोनों है ये। और हर साल आप लोग आते हो अब? हाँ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ कुंडा गांव जिला के आलोर में। आलोर का मंदिर साल में एक बार खुलने वाला मंदिर है। इस मंदिर के बारे में खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस मंदिर में ऐसा है कि यहाँ पर जिसका संतान की प्राप्ति नहीं होता है, तो यहाँ पर खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा करके बताया जाता है। तो क्या है, इस वीडियो पर पूरा देखने के लिए मिलेगा। चैनल पर नए तो भाई सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देख सकते हो यहाँ पर पूरा काफ़ी लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं। ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2-3 किलोमीटर लाइन और पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ का रिव्यू भी दिखाऊंगा कि क्या सच में यहाँ संतान की प्राप्ति होती है खीरा खाने से। संतान प्राप्ति हेतु जो दर्शनार्थी मन्नत के लिए आए हुए हैं, वही दर्शनार्थी नाम एंट्री करवाए। बोलिए लिंगेश्वरी मैया की, लिंगेश्वरी मैया की। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग खंडा तो आ गए हैं। हमको जाना है मंदिर के पास, और यहाँ पर से होता है एंट्री गेट। इन लोग को काफ़ी, इन लोग का रात रात भर लाइन में लगे हैं, तब जाके इन लोग को मिला है। यहाँ पर इन लोग आए हैं, और इन लोग को भी और आगे जाना है। काफ़ी दूर दूर से आए हैं भाई साहब इन लोग। और आप भी है, कहाँ से? धमदा। हर साल आते हैं? ये पहला साल। तो कैसे पता चले यहाँ के बारे में? हमारे भैया हैं, मजने वाले भैया, मदद पूरा हुआ था राउंड है ना। उसको अब हम लोग ने तो एंट्री ले लिए है, अब जाएंगे अब मंदिर में। और मंदिर में जाने के लिए भाई साहब काफ़ी रात से लोग लाइन में लगे, तभी जाते मिलता है भाई साहब दर्शन। और कुछ इस प्रकार से ऐसा भीड़ है, और ऐसा भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, 2-3 किलोमीटर ऐसा भीड़ ही रहेगा। अब जो अभी शुरू में अभी आए हैं इस टाइम में, जैसे 12-1 बज रहा है इस टाइम में आए हैं, तो उन लोग को सीधा रात को ही दर्शन मिलेगा। और माजा पारा क्या? यहीं के हो? अच्छा, माजा पारा। तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ। यहाँ के बारे? हाँ, क्यों इतना भीड़ लगता है यहाँ पर? काय 10 साल के इसी पार है ना, साल में एक बार लगता है। हाँ, एक बार लगता है। तो क्यों लगता है? मेला
हाँ मेला लगता है। मैं सुना हूँ कि यहाँ पर जो संतान के प्राप्ति नहीं होते हैं तो यहाँ पर खीरा खाने से होता है करके। हाँ संतान होती है ना। हाँ रायपुर से यहाँ कितने बार आए हो? दूसरा बार है ना। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ये हमें हमारे कृष्ण जी ने बताया था। अच्छा। यही रहते हैं कुंडा गांव में। उन्होंने बताया हमें। तो हम लोग पिछले साल आए थे यहाँ पे। सुबह 4 बजे लाइन लगकर हम रात में दर्शन किए, उसके बाद प्रसाद में खीरा ग्रहण किए, तत्पश्चात हमें पुत्री प्राप्त हुई है और इसका मन्नत पूरा होने वाला मन रहा। अच्छा मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ प्यारी है नहीं है कि यहाँ बस मन्नत पूरा नहीं होता करके। अभी मैं एक रिव्यू लिया हूँ जो भाई रायपुर से आए हैं, वो यहाँ दूसरा बार है, यहाँ का मन्नत पूरा हो गया ऐसे बता रहे थे। तो आपका मन्नत पूरा हुआ? हाँ पूरा हुआ। तो शुरू बार पिछले साल आए थे 2022 में फर्स्ट बार आए। तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कैसे पता चला? बताया कोई आस पास के। अच्छा यहाँ आने से मन्नत पूरा होता है संतान प्राप्ति की। तो शुरू बार आए थे तो क्या क्या किए थे? शुरू बार आए थे तो जैसे शुरू बार आए थे पूजा उजा किए थे, खीरा एक खीरा लेके आ जाना है, खीरा नारियल अगरबत्ती। अच्छा और जो खीरा खुद से लाए थे? हाँ खुद से लाए। तो फिर वहीं पर खाना पड़ा, वहाँ चढ़ाने के बाद पुजारी हुए वहाँ से फिर वापस महिला के आंचल में देता है मीके में। तो देख सकते हो बेबी है, हाँ बहुत प्यारी है। यहाँ से होते हैं एग्जिट है और जो वीआईपी पास वाले होते हैं लोग इधर से जाते हैं। और इधर देखो भाई साहब काफ़ी पूरा लंबी लंबी लाइनें दिखने के लिए मिल रहा है। ये तो कमी है, उधर जाओगे तो आपको 1-2 किलोमीटर की लाइन देखने के लिए मिलेगी। और भाई काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगे हैं लोग। कहाँ से भैया? किस काल से? ये तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इंसान संतान की प्राप्ति होते ऐसा करके तो आपका हुआ है? पहली बार। पहली बार है। अच्छा कहाँ से भैया? नगरी से। नहीं से। और आप भैया? लंजोड़ा से। लंजोड़ा। अच्छा तो हर साल आते हो? हर साल आते हो। तो आपका कुछ भी मनोकामना पूरा हो गया? धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और लाइन में लगे हैं, एक एक दो दो स्टेप में आ रहे हैं लोग करने के लिए। और भैया हाय बोल रहे हैं। और इधर से होता है एग्जिट, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग होते हैं यहाँ से दर्शन करके वापस जाते हैं इधर। यह है जगदलपुर से। और यह फर्स्ट टाइम है कि कितने बार आ गए हैं? दूसरा बार, पहले मन्नत मांगे ला रहे हैं। कब आए भैया? पिछले साल, पिछले 2022 में। तो मन्नत पूरा हुआ? मन्नत पूरा हो गया तब अब फिर आए। कितना टाइम आया आप? 2 बार। मतलब आज कितना टाइम आए थे, सुबह की रात में? नहीं अभी मन्नत पूरा हो गया तो लाइन छोटे थी, जल्दी भी आ गए लाइन। सुबह सुबह पहुँचे? मतलब सुबह सुबह पहुँचे 10 बजे। कहाँ से हो भैया? कहाँ से हो? रायपुर। रायपुर से। हर साल आते हो? हर साल आते हो? हाँ भैया अभी 2 साल के बाद मैं कोरोना के वजह से नहीं आ पाए थे और इस समय व्यवस्था दूसरी है, थोड़ा तकलीफ भी हुई लेकिन सफलता मिली, माँ के दर्शन हो गए। तो नहीं तो कुछ मनोकामना था? हाँ मनोकामना था ना, संतान है दो दो बस। तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ ना। यहाँ के बारे में भाई जब से हम सुने तब से आने के लिए लालायित थे, आते भी रहे हैं, एक बार हमको दर्शन नहीं मिला लेकिन इस बार अच्छे से दर्शन हो गए माता जी के, बड़ी प्रसन्नता भी हुई यहाँ की व्यवस्था। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? हैं यहाँ के बारे में इस क्षेत्र में कुछ जान पहचान के लोग हैं उनके जरिए मालूम पड़ा और फिर पेपरों में भी देता रहा है ना, पेपरों में भी देते रहे हम, MP में भी रहे हैं, वहाँ भी देखे हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। यहाँ के बारे में बताते हैं वो सही होता है ना? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ जिसका मन्नत पूरा हुआ है, जो पिछले साल आए हैं और उनको मन्नत पूरा हुआ उसको भी मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो शुरू बार आए हैं तो उन लोग से यही पूछूँगा कि कहाँ से पता चला और क्या सही में यहाँ पर होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें इस वीडियो पर देखेंगे। कहाँ से हो भैया? धमतरी बागतर। पहले बार आए हो? हाँ पहले बार आए। वो का कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ ये फरस गाँव में मेरा दोस्त टीचर का है, उसी के माध्यम से पता चला। मैं कल आया था, दोस्त के यहाँ रुके थे, सुबह हम लोग 4 बजे आए थे। यहाँ के बारे में कुछ बताओ ना भैया, यहाँ के बारे में बताओ ना। पिछले बार मैं आया था तो आपका वीडियो बनाया था। कहाँ से भैया? कहाँ से? बिलर से। हवा सिहावर नगरी। ये आपको पहला बार? पहला बार नहीं, दूसरा बार है। दूसरा बार है, पिछले बार भी आए थे। तो इस साल आप लोग का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। मतलब आप लोग पिछले बार आए थे तो मन्नत मांगे थे? होंगे। हाँ मांगे थे। तो हुआ? तो इस साल पूरा हो गया। देखो इधर क्यूट सा, ये नोनी है कि बाबू है? हाँ नोनी है। नोनी है। तो कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? दोस्तों से पता चला। अच्छा, लोग भी आए थे। तो उन लोग का भी मन्नत पूरा हो गया? हाँ उन लोग का भी मन्नत पूरा हो गया। ये हमारा बिल है। अच्छा, तो कहाँ से हुई आप? मरकावेड़ा से, नारायणपुर जिला। अच्छा, पहली बार है क्या? नहीं नहीं, दूसरी बार है। हमारी मन्नत गुड़िया है। अच्छा, ख्याति बड्डे और हमारे मिसेस का नाम है सरस्वती बड्डे, मेरा नाम राजकुमार बड्डे। आप लोग कहाँ के हो भैया? नारायणपुर से 12 किलोमीटर अंदर मरकावेड़ा। मरकावेड़ा के सोनपुर रोड में? जी जी। नहीं नहीं, ओरछा रोड में। ओरछा रोड में। हाँ ओरछा रोड में। तो वो पहले भी आए थे आप लोग? हाँ पहले आए थे, उसी की बदौलत आज हमारे यहाँ गुड़िया आई है। ऐसा, मतलब पहले कब आए थे भैया? पिछले बार आए थे, पिछले साल 2022 में। हाँ। और गुड़िया बहुत प्यारी है, क्या नाम है उसका अभी? ख्याति बड्डे। अच्छा चलो बढ़िया भैया। अभी कितना बजे आए थे आप लोग आज? हम लोग तो अभी जस्ट एक डेढ़ घंटा पहले आए थे। अभी दर्शन हो गया? हो गया। हो गया ना, चलो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछले साल एक वीडियो डाला था, खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होती है ऐसे करके। तो वहाँ पर काफ़ी लोग का कमेंट आया था कि क्या सच में खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होती है करके, और कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 2024 में ये मंदिर कब खुले करके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता लिंगेश्वरी का मंदिर। ये मंदिर में माना जाता है कि खीरा खाने से संतान की प्राप्ति होती है ऐसे करके। साल में एक बार खुलने वाला ये मंदिर है,
2024 में 18 सितंबर को यह मंदिर खुलने वाला है। अगर आप आना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूर गांव का नाम है आलोर, यह मंदिर 18 सितंबर को खुलने वाला है। अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आइएगा और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा उन लोग तक जो निसंतान है, जिसका संतान की प्राप्ति नहीं होता है। दोस्तों हम लोग ने तो दर्शन कर लिए हैं, काफी लोग जो साल में पहले बार आए हैं, साल में दूसरे बार आए हैं, उन लोग से भी हम लोग ने मुलाकात करवाया है। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर भाई साहब हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक लिए जय जोहार, जय सच्चिदानंद।